और हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी दिबांग का। दिबांग, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकते हैं बल्कि किसी को पीछे से उनको आके रोकना पड़ता है कि राष्ट्रगान चल रहा है। जी हाँ अभिसार, देखिए ये प्रोटोकॉल की एक तरीके से भारी चूक कही जा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और वहां इशारा करते हुए एक अधिकारी अपना हाथ बढ़ाता है और उसी के साथ राष्ट्रगान शुरू हो जाता है। तो बढ़े हुए हाथ को मोदी समझते हैं कि उनको इस समय आगे चलना चाहिए, और चूंकि भारत का राष्ट्र जनगण मन बज रहा है, हमारा राष्ट्रगान बज रहा है, तो उसमें वो जो चलते हैं उस पर अधिकारी काफी दूर निकल जाते हैं। बाकी अधिकारी सब खड़े रहते हैं पर मोदी निकल जाते हैं, आप देखिए चित्र में, और फिर वो अधिकारी पीछे से जाके उनको कहते हैं कि साहब आ जाइए, ये राष्ट्रगान है। और एक तरीके से भारी चूक है ये, और राष्ट्रगान में आप सब जानते हैं कि राष्ट्रगान में खड़े रहना चाहिए सावधान की स्थिति में, और विदेश में ये हो रहा है वहां भारत का राष्ट्रगान बज रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल भारी चूक इसको कहा जाता है। और इसमें प्रोटोकॉल अधिकारियों के बारे में भी सवाल उठेंगे, कौन से प्रोटोकॉल अधिकारी थे जो उनको इस तरह से इशारा किया गया, क्योंकि एक अधिकारी उसमें जो रूसी है वो इशारा करते हैं कि आगे बढ़ने का, उसको देखकर मोदी आगे बढ़ते हैं, तब तक राष्ट्रगान शुरू हो जाता है और मोदी लगातार उस पर चलते रहते हैं, फिर उनको हाथ पकड़ के पीछे लाया जाता है। बिल्कुल एक बहुत ही ऐसी स्थिति है जिससे बिल्कुल बचा जाना चाहिए, और मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग स्थिति है ये।